सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफ़ी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सफ़र पठानकोट से लेके जीबी तक। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आप पठानकोट से जीबी पहुँच सकते हैं लोकल बसेस का यूज़ करके सबसे कम किराए में। तो सबसे पहले तो आपको पहुँच जाना है पठानकोट बस स्टैंड। तो बस स्टैंड यहाँ का काफ़ी बड़ा है और यहाँ से ना आपको हर जगह के लिए जो बड़ी बड़ी बसेज हैं मिल जाएंगी। सबसे अच्छी और बेस्ट बस जिसमें आप जा सकते हैं वो रहेगी हिमसुता, जो कि HRTC की ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप बुक कर सकते हैं। लेकिन इसकी टिकट जो काफी ज्यादा महंगी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाने वाला हूं लोकल बस पे, ताकि आप भी एक बजट फ्रेंडली ट्रिप है जो कर सके जीबी या मनाली के लिए। तो यहां पे आपको पठानकोट बस स्टैंड पे आ जाना है और आपको हिमाचल वाले काउंटर पे आ जाना है। हिमाचल वाले काउंटर से ना तीन बसेस चलती हैं जो रात को चलती है यहां पे। एक बस चलती है शाम को 6 बजे, एक बस चलती है शाम को 7 बजे और एक बस चलती है रात के 8 बजे। तो मैंने पठानकोट से 8 बजे वाली जो लास्ट बस है वो पकड़ ली है। तो आपको जो बस पकड़नी है वो पकड़नी है मनाली के लिए। काफी अच्छी बस थी, ठीक है, साफ सुथरी थी और यहां पर ना चेकिंग वगैरह भी काफ़ी होती है। तो कुछ गलत सामान अपने साथ ना ले जाएं, आपकी बस चेकिंग होने के बाद ही यहाँ से निकलेगी। ठीक 8 बजे पठानकोट बस स्टैंड से आपकी जो बस है मनाली के लिए निकल जाएगी। तो जो लोग पठानकोट से मनाली जाना चाहते हैं उनको इस बस में बैठना है और ये बस उनको डायरेक्टली मनाली पहुँचा देगी। लेकिन जिन लोगों को जीबी जाना है उन लोगों को यहाँ से एक बस और चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको मनाली से पहले एक ओट नाम का शहर रहता है वहाँ पर उतर जाना है। तो अभी यहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ ऑट के लिए। तो यहाँ पे चलने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद पता लगा जब टिकट कटी कि ये जो बस है ना जो जाने वाली है सिर्फ मंडी तक जाएगी, क्योंकि आगे पंडोहा डैम में जाम लगने के कारण ये बस मनाली तक नहीं जाती। तो हमको मंडी से एक और बस चेंज करके ऑट तक जाना पड़ेगा। तो ये एक और थोड़ी सी दिक्कत है जो खड़ी हो गई है, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए हमने कंटिन्यू रखा। 10 बजे, ठीक है, 8 बजे बस चलती है और 10 बजे आपको डिनर करने के लिए ढाबे वगैरह पर रुकाएंगे। 20 मिनट का ब्रेक रहता है जहाँ पर अपना डिनर वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम निकल जाएंगे, ठीक है, ऑट की तरफ। तो आज का जो रूट रहने वाला है जो हम फॉलो करने वाले हैं वो रहेगा नूरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, मंडी, ऑट, भुंतर, कुल्लू, मनाली। तो ये पूरा रूट रहेगा जो ये बस फॉलो करेगी मनाली तक। लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे, हम कौन कौन से शहर क्रॉस करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे क्रॉस नूरपुर, उसके बाद कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, ठीक है, उसके बाद मंडी होते हुए मंडी से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ऑट हम उतर जाएंगे। ऑट में ऑट भी ऑट में आपके पास उतरने के लिए दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप ऑट टनल के पहले उतर सकते हैं, वहां से आप टैक्सी लेके जा सकते हैं, और या आप ऑट बस स्टैंड पे उतर जाएं। बस स्टैंड पे उतर के आपको ना बस की ऑप्शन मिल जाएगी। तो सुबह सुबह 3 बजे के आसपास मैं मंडी पहुंच जाता हूं। मंडी से हमको दूसरी बस है जो चेंज करनी पड़ती है। ये बस भी ऑलमोस्ट खाली थी, काफी अच्छी बस मिल गई, ये भी सरकारी बस ही थी। ऑट तक जो पठानकोट से मंडी तक का किराया लगा वो लगा मेरा 500 रुपये लोकल बस में। उसके बाद दूसरी बस में बस चेंज करने के लिए मंडी से ऑट तक का किराया था 100 रुपये। तो 600 रुपये में मैं ऑट तक पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे लेकिन पंडोहा डैम पहुंचते ही ना, जो पंडोहा विलेज है वहां पहुंचते ही जाम लग गया। तो हमारी बस यहाँ पे 4 बजे लगभग पहुंच गई थी। तो 4 बजे से लेके जो अभी अगला गेट खुलेगा वो 6 बजे खुलेगा, जब हम यहाँ से हम क्रॉस कर पाएंगे। तो 2 घंटे बस यहीं पे रुकी रहेगी। तो जो भी लोग मनाली या जीबी जाना चाहते हैं तो इन बात का ध्यान जरूर रखें कि उनको पंडोहा डैम के आसपास 1-2 घंटे का जो वेटिंग पीरियड है वो मिल सकता है, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक साइड का ही जो ट्रैफिक है वो चलता है यहाँ पे, क्योंकि जो लेटेस्ट लैंडस्लाइड्स हुई थी उसमें काफी ज्यादा सीट्स वगैरह टूट गई थी। तो फाइनली 6 बज जाते हैं और जो रास्ता है वो खुल जाता है और हमारी बस भी निकल पड़ती है। 2 घंटे मुझे तो काफी ज्यादा आराम मिल गया, मैं आराम से सो गया था। और 6 बजे हमारी बस दोबारा से पंडोहा डैम से चल पड़ती है। देख सकते हैं आपके सामने पूरा ट्रैफिक आपको दिख रहा है, ये पंडोहा डैम वाला सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक चल रहा है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लाइन है जो लगी हुई है, आपके सामने ही दिख रही है आपको। तो काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक था, बट काफी सुंदर व्यूज थे और मौसम भी यहाँ पे अब ठंडा होना शुरू हो चुका था। तो जो लोग भी मनाली वगैरह जा रहे हैं अपने गर्म कपड़े वगैरह लेके जाना। पठानकोट से मनाली तक का टोटल डिस्टेंस था 350 किलोमीटर, जो कि आपका मनाली का रहेगा, जिसका आप थोड़ा सा जो आपको टाइम लगेगा रात को 8 बजे चल के सुबह 10 बजे तक आप पहुंच जाएंगे मनाली। और जो मैं ऑट है 8 बजे का ऑट में मेरा पहुंचने का जो टाइम था वो ऐसे तो वो था कि मैं सुबह 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जो 3 घंटे मुझे यहाँ पे जाम मिला उसके कारण मेरा ऑट का टाइम होगा कि मैं 7 बजे के आसपास ऑट पहुँच जाऊँगा। तो ये पंडोहा डैम वाला जो पूरा रास्ता आपको क्लियर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। पहले 3 घंटे जाम में खड़े रहे, उसके बाद अब जो ये सिंगल लेन ट्रैफिक चल रहा है उसकी वजह से जो बस है काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है। तो ये आपका बात ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ये ट्रैफिक क्लियर हो जाता है तो सड़कें आपको दोबारा से खाली मिलनी शुरू हो जाएंगी। देख सकते हैं हमारी साइड का ट्रैफिक खुला था, तो दूसरी साइड का जो अपोजिट ट्रैफिक है वो पूरा रुका हुआ है। काफी लंबा ट्रैफिक है, उसमें सभी लोग को खड़ा रहना पड़ता है, चाहे वो बाइक हो चाहे गाड़ी हो, कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये भी एक थी। उसके अलावा यहाँ पे वॉल्वो बसेज भी सब चल रही हैं आपके सामने जो जा रही है, ठीक है, लक्ष्मी हॉलीडेज की वॉल्वो बस जा रही है। तो जो लोग वॉल्वो बस से जाना चाहते हैं वो वॉल्वो बस से भी जा सकते हैं, लेकिन वॉल्वो बस का जो किराया है वो थोड़ा सा महंगा रहता है। मैं लगभग 600 रुपये में यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर आप
भाई वॉल्वो बस से आएंगे तो आपको 1000 से 1200 रुपये देने पड़ सकते हैं। हिमसोता की जो बस थी पठानकोट से चल रही थी वो तो 1600 रुपये ले रही थी ऑड तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा था। उसके बाद आपको ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा मनाली का रास्ता है, सिर्फ जो एक पास था ना बीच में वही टूटा हुआ था। उसके बाद हम नए वाले रास्ते से जा रहे हैं, जो टनल से टनल हम क्रॉस करते हैं। पुराना रास्ता बिल्कुल वो भी सही है, ठीक है, कुछ टूटा नहीं हुआ, सिर्फ जो पंडोहा डैम के आसपास वाला एरिया था वही इफेक्ट होकर लैंडस्लाइड हुए काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जब आप मनाली पहुँच जाएंगे वहाँ जाके आपको लैंडस्लाइड वाला एरिया देखने को मिलेगा, उसके अलावा सारा रास्ता ठीक था। तो फाइनली बस हमको सुबह सुबह 7 बजे ऑड बस स्टैंड पर उतार देती है। ऑड बस स्टैंड पर उतरते ही जहाँ पर हमको बस ने उतारा बिल्कुल सामने बस स्टैंड था, तो बस स्टैंड से हमको बस मिल जाती है, ठीक है, बंजार के लिए। अगर आपको जीबी जाना है तो डायरेक्ट बस आपको जीबी के लिए यहाँ से नहीं मिलेगी, आपको ऑड से एक बस लेनी पड़ेगी बंजार। बंजार से जो जीबी है वो आगे 10 किलोमीटर है, तो बंजार वाली जो बस है वो चल पड़ती है। इस वक्त हम जो टनल क्रॉस कर रहे हैं इस टनल का नाम है ऑड टनल। आप चाहे तो ऑड टनल से पहले भी रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बस में जो सीट है वो भरी हुई मिलेगी, तो प्रेफर करें कि आप बस स्टैंड से ले लें ताकि आपको बैठने के लिए सीट मिल जाए। यहाँ से मेरा जो ऑड से बंजार तक का किराया लग रहा है बस में वो लग रहा है 50 रुपये, और लगभग 1 घंटे का समय है जो मुझे और लगेगा बंजार पहुँचने के लिए। तो ये सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। आप चाहे तो अगर और ज़्यादा बजट फ्रेंडली वे में पहुँचना चाहते हैं जीबी, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ना ऑट से ही जो स्कूटी वगैरह रेंट पे ले लें। स्कूटी का एक दिन का रेंट रहेगा 800 रुपये, तो अगर आप 2 या 3 दिन भी वहाँ पर जीबी में स्पेंड करते हैं तो आपके 2400 रुपये किराया हो गया और 600-700 रुपये का आपका पेट्रोल लगेगा, तो 3000 रुपये में आपका आना जाना घूमना सब इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी ट्रैवल करने से पहले, तो मैंने ऑट से भी बंजार के लिए बस ही ले ली ताकि मैं बस से ही जीबी पहुँच जाऊँ। रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा थे, आपको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा होम स्टेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एक होम स्टे मैंने आपको दिखा दिया अगर आप रास्ते में रुकना चाहते हैं, और व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, तो आपको पूरा रास्ता। लेकिन ये रास्ता ना बहुत ही ज़्यादा सिंगल लेन था, खतरनाक रास्ता था। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी पर आ रहे हैं तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतली सड़कें थी। तो अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है तो जीबी वाली साइड अपनी गाड़ी से ना आए, तो अपनी गाड़ी मतलब आ रहे हैं तो कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर अपने साथ लेके आए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है और इसमें ना एक साइड से बस जा रही है एक साइड से आ रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। 1 घंटे के सफर के बाद हम पहुँच गए बंजार बस स्टैंड पे। बंजार बस स्टैंड से आपको एक और बस चेंज करके जाना पड़ेगा जीबी, तो वहाँ पे लेकिन आपको टैक्सीज वगैरह भी मिल जाएंगी। टैक्सी वाले ने कहा कि मैं 500 रुपये लूँगा और आपको ऑट जो बंजार बस स्टैंड से जीबी छोड़ दूंगा। तो हमको वहाँ पे 4 लोग और मिल गए, तो हमने शेयरिंग में टैक्सी कर ली, जिससे कि 100 रुपये पर हेड में हम पहुँच जाएंगे बंजार से जीबी तक। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बंजार बस स्टैंड पर रुके रहें, हर 1 घंटे बाद जीबी के लिए जो बस है वो चलती है, ठीक है। जो बस आएगी वो आपकी या तो उस पर जीबी लिखा होगा या जलोरी पास लिखा होगा, तो आप बंजार से वो बस लेके जा सकते हैं। बस से अगर आपको जो बंजार से जीबी जाने में जो टाइम लगने वाला है वो 30 से 40 मिनट लगेगा, और गाड़ी में जाएंगे तो आप 20 मिनट में जीबी पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैंने भी शेयरिंग में डिसाइड किया कि मैं शेयरिंग में 4 लोग ढूंढ, हमको मतलब 4 लोग थे, हम वेट कर रहे थे, तो हमने एक ऑल्टो गाड़ी करके जीबी के लिए निकल पड़े, जिसमें हमको उसने 500 रुपये खिलाया दिया, तो 100 रुपये पर हेड में हम जीबी पहुंच जाएंगे। तो जीबी भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था, यहाँ पे जो बसेस वगैरह थी काफ़ी ज़्यादा कम चल रही थी और ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। ड्राइवर भी हमको अच्छे मिले थे, तो हमने जो होम स्टे बुक किया वो ऑनलाइन तो नहीं था, किसी जान पहचान में बुक किया था। आज का जो होम स्टे मैंने बुक किया है वो अनंता होम स्टे किया है, वो एक ट्री हाउस की तरह है बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। उसका भी आपको पूरा टूर कराने वाला हूँ, उससे पहले आप ये पूरे रास्ते एंजॉय करते रहिए। तो लगभग 20 से 25 मिनट की ड्राइव करी और सड़कें ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी बीच बीच में, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आप अपनी गाड़ी पर आने का सोच रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से आइएगा। तो टोटल लगभग जो मुझे पठानकोट से जीबी पहुँचने में समय लगा वो मैं रात को 8 बजे निकला था, और अगले दिन सुबह 10 बजे मैं जीबी पहुँच गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है सुबह के, ठीक है, 10 बजे, और मैं अपने होम स्टे में पहुंच चुका हूं। ऐसा कुछ होम स्टे का रूम है मेरा, पूरा देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्री हाउस ही कह सकते हैं इसको आप, बिल्कुल एकदम लक्कड़ से बना हुआ, मड से बना हुआ, बिल्कुल पेड़ों के बीचों बीच। तो नीचे है जो ओनर रहते हैं, ऊपर वाले रूम्स आपको मिल जाते हैं। रूम का रेंट जो मुझे पड़ा 1500 पर डे के हिसाब से पड़ा, अगर आप मतलब सिर्फ एक दिन के लिए स्टे कर रहे हैं तो 1500 पर हेड, अगर आप 2 या 3 दिन स्टे करते हैं तो आपको 1200 पर डे के हिसाब से जो रूम है मिल जाएगा। तो अगर आप ये रूम बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम मेरी आईडी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपके मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में रूम्स वगैरह आपके लिए बुक करवा के दे सकता हूं या आपको कंटेंट वगैरह शेयर कर सकता हूं। तो ऐसा पूरा रूम था। पूरा अगर रूम का रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको पूरा रूम वगैरह दिखाया, तो आप वो भी देख सकते हैं वीडियो में अभी, ठीक है। फाइनली अभी मैं निकल चुका हूं, हो रहा है 10 बजे और फाइनली पहुंच चुके हैं जीबी में। काफ़ी ज़्यादा बसेस चेंज करने के बाद जो जाम है ना मनाली में, 2-3 घंटे का जाम लग गया था, तो ट्रैफिक नहीं छोड़ रहे थे। तो जब ट्रैफिक छोड़ा उसके बाद लगभग मतलब जब हम मंडी से यहाँ पहुँचने में लगभग 3 घंटे का जो समय है वो लगा, और यहाँ पे पहुँच गए। अब फाइनली यहाँ पे एक रूम भी ले लिया, जिसका आपको पूरा टूर कराता हूँ
इस वीडियो में इतना ही। जीबी की पूरी सीरीज देखनी है तो आगे वाली वीडियोस देख लेना। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।